मध्य प्रदेश का बजट विधानसभा में पेश हो रहा है और इस बजट को लेकर जब वरिष्ठ पत्रकार मुकेश पूर्वे से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यह बजट पूर्णतः चुनावी सत्र होने के साथ ही राजनीतिक बजट होगा। वहीं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संतोष सिंह दीक्षित का कहना है कि इस बजट सत्र में पुरानी पेंशन को भी लागू किया जाए, यदि नहीं किया जाता है तो पुनः आंदोलन किया जाएगा। वहीं आमजन का कहना है कि इस बजट सत्र में आमजन की समस्याएं, बेरोजगारी, विकास को लेकर बजट पेश किया जाएगा। वहीं रिटायर्ड कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कहना है कि इस बजट सत्र में सड़कों के लिए प्रावधान होता है तो किसानों के लिए भी मंडी तक जाने और कई ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधाएं हो जाएंगी। प्रदेश शासन अभी बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से हमें ये उम्मीद है कि पुरानी पेंशन बहाली ये सरकार करेगी। दूसरा ये है कि बुरहानपुर जिले का जो निमाड़ क्षेत्र है, इस निमाड़ क्षेत्र को मतलब जनता की ये मांग है कि यहाँ पर आज़ादी के बाद से आज तक जो है सड़क का निर्माण नहीं हुआ। इस सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि यहाँ पर जो है यातायात की सुगमता हो और किसानों को इसका लाभ मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें हमें उम्मीद तो है कि भाजपा द्वारा जो विकास संबंधी कार्य किए गए हैं, बेरोजगारी दूर होगी इसके संबंधी कुछ प्रयास किए गए हैं और आने वाले कल में जो भी बजट संबंधी जो आज तक के समस्याएं थी वो हल होगी, इस उम्मीद हमें जनता को लगी। सभा का जो बजट इस बार का शुरू विधानसभा में आएगा, निश्चित तौर पर वह बजट जो होगा वो पॉलिटिकली बजट होगा क्योंकि यह वर्ष चुनावी वर्ष है। विधानसभा 2023 है, 6 महीने बाद ही, और उसके बाद 24 में लोकसभा भी है, तो इस पूरे बजट के अंदर निश्चित तौर पर चुनावी छवि दिखेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज बजट सत्र शुरू हुआ है और इस बजट सत्र में सभी वर्गों के लिए सोचा जा रहा है, कर्मचारी भी एक इसका हिस्सा है। हम मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करते हैं कि बजट आप जो पेश करने जा रहे हैं उसमें 2004 से बंद पुरानी पेंशन को भी लागू किया जाए, उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए।